ड्रामा सीरियल बनू की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे जब सारी हकीकत का पता निहाल को चल जाता है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद बीना ने नहीं बल्कि रिमशा और मेरी अपनी मां ने किया है। एक तरफ तो निहाल रिमशा को तलाक दे देता है, रिमशा को निहाल जब तलाक देता है तो रिमशा से निहाल की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, वो पागल हो जाती है और निहाल अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए बीना के पास जाता है तो बीना निहाल से कहती है, निहाल मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं थे, मेरी जिंदगी जो बर्बाद होनी थी वो हो गई है, तुम्हारी माफी से अब कुछ होने वाला नहीं है, बेहतर है तुम भी यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारने दो। उधर रिफत बेगम भी जब अपने बेटी की हालत देखती है तो उसका खून भी खोलने लगता है। रिफत बेगम निहाल से कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया लेकिन क्या बेटा तुम अपनी माँ की ये गलती माफ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी खातिर बेटा बीना से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिस पर निहाल कहता है, मैंने आप लोगों पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसे मैं गलत समझता रहा वो मुझसे चीख चीख कर कहती रही, मैंने निहाल तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो लेकिन मैं अनजान था जो सिर्फ आप लोगों पर यकीन करता रहा, अम्मी अगर बीना ने मुझे माफ ना किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। जिस पर रिफत बेगम कहती है, मैं बीना के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी, वो जरूर मुझे माफ कर देगी, बेटा बीना बहुत बड़े दिल की मालिक है, वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचती है।